أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج نو رمضان المبارک 1440 ہجری ہے اور اس وقت آپ آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی افطار لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زبیر احمد آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ عاصم قادری نے اور جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی
वो है सूरह निसा की आयत नंबर 36। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो और एहसान करो, और नेक सलूक करो रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और कराबतदारों से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और ग़ुलामों से। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं करता। सदकल्लाहु मौलाना अलअज़ीम। नाज़रीन किराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुनाफिकत के बारे में। मुनाफिक कौन होते हैं और मुनाफिक की क्या निशानियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। चलते हैं रीमा की जानिब। जी रीमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इब्तदा उस रब्बे जलील के नाम से जो अजल से है और अब तक रहेगा। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज 15 मई सन 2019 बरोज़ बुध, रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख 1440 हिजरी है। माह रमज़ान में रहमतों का अशरा अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। यकीनन हम सभी रब ताला से रहमतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रब ताला की रहमतों का सिलसिला रुक जाएगा, हरगिज़ नहीं, ये तो ता कयामत जारी रहेगा। अब ये हमारी हिम्मत व इस्तेआत पर मुनहसिर है कि हम कितना वसूल कर पाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जिसके दुश्मन ना हों और सब दोस्त हों तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक़ की बात करता है। मुनाफिकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, खिजां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। नफाक कौल और फेल में तजाद को कहते हैं, यानी एक शख्स जो बात ज़ुबान से कहे या दूसरे से जिस बात की तवक्को करे उस पर इस्तेआत के बावजूद अमल ना करे। बदकिस्मती तो ये है कि हमारा मुआशरा मुनाफिकत का शिकार हो चुका है। ज़िंदगी का कोई शोबा भी इस मर्ज़ से बचा हुआ नहीं। यही वजह है कि हम अंधेरों के मुसाफिर रोशनी की किरण के मुतलाशी हैं, लेकिन अपनी बदअमालियों की वजह से सच्ची रोशनी से महरूम हैं। कहते हैं मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसे धक्का नहीं सहारा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि 100 दोस्तों से बेहतर है वो दुश्मन जो दिल में नफ़रत रखता है पर मुनाफिकत नहीं करता। इरशाद बारी ताला है कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और उनके लिए आप किसी को मददगार ना पाएंगे। हक़ की खातिर जान देने में हमारी शान थी, इंसानियत की आबरू रखना ही तो पहचान थी। किस डगर पर चल पड़े हैं लोग सब कुछ भूल कर, नफ्स कितना मोटा ताज़ा हो चुका है फूल कर। दौलत और शोहरत के पीछे सब गवारा है हमें, झूठ मकर चालबाजी का सहारा है हमें। वो नज़र आते हैं जो बातिन में हम होते नहीं, आँख से आंसू बहे जाते हैं पर रोते नहीं। मुनाफ़िकत की इस तरह हम इंतहा करने पे हैं, दीन और दुनिया अपनी हम दोनों तबाह करने पे हैं। है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। बराने रहमत में आज हम अपने गिरेबानों में झांकेंगे और उल्माए दीन की बातों की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं हम भी तो वो बाजीगर नहीं बन गए जो दिखाता कुछ और है पर दर हकीकत होता कुछ और है। मगर इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में पता चल ही गया है
कि आज हम बात करेंगे मुनाफिकत के टॉपिक पर। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ रखते हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। रहमतुल्लाह बरकात। रीमा, क्या पहला सवाल क्या है आपके पास? टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टाइम भी अब हमारे पास शॉर्ट है, तो जरा आप बताइए क्या। और मैं चाहूंगा कि दोनों हजरात जो है अगर मुख्तसरन चीजों को बता दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को भी टेकअप कर सकें। मेरा दोनों उलमाए कराम से सवाल है कि मुनाफ़िकत की क्या अलामत है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے یقیناً یہ معاشرتی حوالے سے وہ عنوان ہے وہ ٹاپک ہے کہ جو ایمان کے لیے سب سے زیادہ مضر اور خطرناک شے ہے منافقت کی علامات کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ خود انسان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل کو یہ دیکھے کہ جو وہ بول رہا ہے کیا اس کا کہنا اس کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں اس لیے کہ منافق کی علامات میں سے واضح طور پہ ایک نشانی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ منافق کا قول اور فعل ہمیشہ تضاد رکھتا ہے یعنی جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کر نہیں رہا ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کہ اے ایمان والو تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو یعنی اللہ مومنوں کی علامت یہ بتا رہا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے اپنے عمل کو ثابت کرے اس کے بعد اس بات کی طرف آئے تو میں سمجھتا ہوں منافقت کی بنیادی طور پہ علامت یہ ہے کہ انسان دو رخ نہ ہو، ذل لسان نہ ہو، ذل وجہین نہ ہو، دو رخ نہ ہو، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو، جیسا کسی دشمن کے سامنے ویسے اپنے دوست کے سامنے ہو، ایسا نہیں ہے کہ جس سے فائدہ پہنچنا ہے تو اس کے سامنے اس کی چاپلوسی کرنے لگ جائے اور اس کے پیچھے آئے تو اس کی برائیاں کرنے لگ جائے۔ تو یہ منافقت کی بنیادی اور سمجھ لیجیے کلیدی علامت یہ ہے کہ منافق ذل لسان ہوتا ہے، ذل وجہین ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب، محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين الكاذبون صدق الله العظیم۔ شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب اور ریما بی بی، بڑا اہم آج کا ٹاپک ہے منافقت کا۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اول پارے سے، قرآن کے جو 30 پارے ہیں، پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک منافقوں کی علامتیں بھی بتائی ہیں اور منافقوں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ذکر بالخیر نہیں ہوا، ذکر بالشر ہوا ہے ان کا۔ ان کے اندر جو شر تھے، جو خباستیں تھیں، اللہ رب العزت نے وہ قرآن پاک میں بیان فرما دی ہیں۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے علامات کا، اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے۔ زبان پر کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ بیٹھ کے ایک محفل میں، پورا سورہ منافقون کو آپ پڑھیں، 28 پارے میں ذکر موجود ہے کہ وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نفی فرمائی، فرمایا حبیب انہم لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جب مومنین کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، خوشامدانہ رویہ ہوتا۔ ماشاء اللہ جی، آپ بڑے مومن ہیں، ہم بھی آپ جیسے ہیں، جیسا آپ کا ایمان ہے ہمارا ایمان بھی ایسا ہے۔ تو اس کی بھی نفی فرما دی سورہ بقرہ میں کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا ایمان مومنوں کے ایمان جیسا نہیں ہے، یہ اندر سے بےمان ہیں۔ کامل ایمان وہ ہوتا ہے جس کا اندر سے بھی ایمان ہو اور باہر ظاہر بھی اچھا ہو، یعنی باطن بھی اس کا اچھا ہو، وہ صاحب ایمان ہوگا اور وہی کامل ایمان ہوگا۔ باقی جو منافقوں والی علامتیں وہ تو بہت ساری ہیں، خلافی کرتا ہے زبان وغیرہ وغیرہ، جیسے علامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے میں جی کہ منافقت کے اسباب کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب سے جو میں نے استفادہ فرمایا، بہت خوبصورت جس آیت کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، اس آیت کو زمانہ رسول تک محدود نہیں سمجھیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، قرآن مجید مستمر ہے، آج تک قرآن کے احکام چل رہے ہیں۔ آج بھی ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ہم مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارا عمل کہیں نہ کہیں اس بات کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے ظاہراً اعلان منافق ڈکلیئر ہو جانا، کہ کوئی شخص نعوذ باللہ منافق ہو جائے، ایک ہوتا ہے مزاجاً منافق ہونا۔ ایک کثیر تعداد میں اگر
जुमला गलत ना कहूँ, एक कसीर तादाद ऐसी है जो मिजाजन मुनाफिक बन चुकी है, यानी खुदा रसूल के अहकाम को जानते बूझते कि नमाज रोज़ा हज ज़कात फ़र्ज़ है, जानते बूझते उससे पहलू तही करती है। तो ये भी एक खूबसूरत पहलू जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा फरमाया। मुनाफिकत के असबाब में सबसे पहली चीज़ ईमान का पुख्ता ना होना। जब ईमान पुख्ता नहीं होगा तो इबलीस फिर अपने हरबे आजमाता है, वो अपने वार करता है और ईमान की मुबारक इमारत को मुतजलजल कर देता है। नतीजा ये होता है कि उस ईमान की इमारत मुतजलजल हो जाने के तहत फिर उसके अमाल ज़ाया होने लग जाते हैं, फिर उसके अमाल मुखलिस नहीं रहते हैं, फिर उसकी नमाज में मुनाफिकाना रवैये का शिकार हो जाती है, उसके अमाल, उसके अकवाल, उसके अफाल। तो बुनियादी तौर पर नफाक पुख्ता ना होना ये एक सबब बन सकता है। मुफ्ती साहब, ये जो इन्होंने फरमाया कि बुनियादी सबब यह कि ईमान का पुख्ता ना होना, अब जाहिर है कि मेरे जैसा कमज़ोर ईमान का आदमी तो ये है कि मेरा ईमान पुख्ता नहीं है, मुनाफिकत हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि सहाबा किराम जो थे, मैं मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा, वो जो सहाबा थे, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एग्जैक्टली उसका मफहूम मैं बता देता हूँ कि हज़रत हंजला जो थे, उन्होंने कहा हंजला मुनाफिक हो गया, और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ हंजला, तो कहा कि या रसूलल्लाह, मैं जब आपकी मजलिस में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा ईमान बहुत बुलंदियों पर है, लेकिन जब मैं आपकी मजलिस से चला जाता हूं तो ईमान में कमी महसूस करता हूं, तो ऐसा लगता है कि कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। तो उसके बारे में ऐसे रवैये हमारे साथ भी होते हैं, एक तो वो मुनाफिक होता है जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़ता है और अंदर से मुनाफिक होता है, दूसरे हम जैसे कमज़ोर लोग होते हैं जो कि दीन इस्लाम से मोहब्बत भी करते हैं लेकिन हमसे खताएं भी हो जाती हैं, वादा खिलाफी भी हो जाती है, ये भी तो मुनाफिक। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डॉक्टर साहब, आपने सवाल का जवाब तो बिल्कुल गुजार दिया अपने सवाल के अंदर ही। जी जी, पहली बात तो ये है कि जो आप आजजी फरमा रहे हैं कि मुझ जैसे आदमी, अल्लाह हमें आजजी नसीब फरमाए, तकब्बुर से अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाए। बिल्कुल सिर्फ हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अनु का वाक्य नहीं है, और भी असहाब पैगम्बर जब हुजूर की बारगाह में बैठे होते तो वो उनकी कैफियत कुछ और होती, और वो उठ के बाजार में जब जाते तो कहते कि क्या हमारे ईमान में जो है ना कमी आ गई है, कहीं निफाक तो पैदा नहीं हो गया, जी जी जी। और एक दूसरे के क्या तो मुनाफिक हो गए, इस तरह के जुमले मिलते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, नहीं, तुम कामिल ईमान वाले हो, तुम साहिब ईमान वाले हो। अगर बाजार में जाते हो ईमान कम होता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीना मुस्तफा से फैद ले रहे होते हो तो अपने आप को कामिल समझते हो, यही साहिब ईमान होने की अलामत है। अच्छा। तुम मुनाफिक नहीं हो, तुम साहिब ईमान हो। और ईमान, मेरा अकीदा ईमान यह है कि जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज ले और दौलत ईमान मिले, इस्लाम मिले, वो मुनाफिक नहीं। मुनाफिकों की तो बहुत सारी अलामतें, उनके सरदार के नाम पैगंबर से, तो जो अब्दुल्लाह बिन उबई बिल्कुल ठीक है, बहुत पैगंबर से जो पैगंबर से जो बराह रास्त ले वो तो आपने फरमा दिया, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो मुसलमान है जो पैगंबर से बराह रास्त हमने तो फैज नहीं लिया। माशाल्लाह, ये आजजी के जुमले होते हैं डॉक्टर साहब, आजजी अल्लाह नसीब फरमाए, उलमा को भी अल्लाह आजजी नसीब फरमाए। जितना आदमी बड़ा होगा आजजी करेगा उसका उतना मकाम बड़ा होता जाएगा, ऐसे नहीं होता कि तकब्बुर आ जाए। तकब्बुर तो अल्लाह की सिफत है। एक वो जुमला कहा था हमारी रीमा बीबी ने कि इसकी जो है ना शुरुआत कैसे होती है मुनाफकत की, असल जो है शुरू होता है हसद से, हसद से। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिक बना है, दलील है कुरान, उसको हसद था। कुरान जब हमारे साथ हसद था कि जनाब मेरी ताज पोशी होने वाली थी, मैं रईस मदीना बनने जा रहा था, मैं सरदार मदीना बन रहा था और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो इमाम मैं बनता, सरदार मैं बनता, रईस मैं बनता, मैं बड़ा बनता। यानी वो तकब्बुर और गरूर का पुतला हसद में जल गया। और यहां तक नहीं, ओहद के मौके पर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग सोसाइटी सुन रही है, उसने कहा था कि मेरे जो लोग मैं अपने निकाल लेता हूं, तुम जाओ अपने खुदा के लिए लड़ो जो जिहाद करना है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इसका मोहताज नहीं होता, पैगंबर अफरादी कुव्वत का मोहताज नहीं होता। मेरे रब ने अगर मुझे इज्जत देनी है, कुरान में है वलिल्लाहिल इज्जतो वल रसूलही वलिल मुमिनीना वलाकिनल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मोमिनीन के लिए, और मुनाफिकीन के लिए कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ से भी कोई ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहेगा मुफ्ती साहिबान से, कोई है क्वेश्चन करेगा, या माइक दीजिएगा, जी माइक दीजिएगा इनको। देखो, मेरा सवाल ये है उलमा इकराम साहब से कि अक्सर फीमेल होस्ट होती हैं तो वो प्रोग्राम में बड़ी नज़रें नीचे करके बैठे हुए होते हैं, और जहाँ हम ब्रेक पे जाते हैं
तो अक्सर ये होता है कि सोशल मीडिया पे देखने में आती है पिक्चर्स वगैरह कि वो उन्हीं होस्ट के साथ पिक्चर्स बना रहे होते हैं और वो लगी हुई होती है, तो क्या ये चीज़ मुनाफ़कत में नहीं आती? अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने रेज़ किया है कि जो हमारे स्कॉलर्स आते हैं मुख्तलिफ रिलीजियस शोज़ में, ब्रेक में हों या अगर हम ऑफ रिकॉर्ड हों, ऑफ कैमरा हों, तो वो जो है वो पिक्चर्स भी बनवा रहे होते हैं और वो जो है वो फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो रहा होता है, बातचीत भी हो रही होती है, लेकिन जब हम स्टूडियो में सेट पर आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, वो यहाँ पर यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, मुझे यहाँ बिठाया जाए, मुझे वहाँ बिठाया जाए और मैं यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर सकता। इसको कैसे लेंगे हम? उलमा तबका, आलिम बा अमल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उलमा सू की बात कर रहा जी, जिनका जाहिर और बातिन एक नहीं है। उलमा किराम का कौन अदब नहीं करता? ये जो होस्ट होती हैं, बेटियाँ, बच्चियाँ, बहनें, ये हमारी सोसाइटी की, हमारी मुसलमानों की बहनें बेटियाँ होती हैं। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो उनकी बेटी नहीं आई थी? क्या नाम था, हातिम तई की बेटी आई, नंगे सर आई? बिल्कुल आई थी। तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठा के, जिसको कमली वाली या जो अल-मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वाली चादर उठा के सर पे डाल दी। साहबा कहने, या रसूल अल्लाह, काफिर की बेटी है। फरमाया, क्या हुआ काफिर की बेटी है? बेटी बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो, यहूदी की हो। तो हमें एहतराम करना चाहिए। आंखें नीची करके बैठना अच्छी बात है, हुक्म है कुरान का कि अपनी नजरों को झुका के बैठो, मगर जब बाहर जाते तो ये मुनाफ़क़त की तो अलामत है कि हमारा ज़ाहिर और बातिन एक नहीं। अल्लाह करे वो आलम दीन जो इस तरह का किरदार अदा करता है, कयामत के दिन उसको सबसे ज्यादा सजा दी जाएगी कि तुम तो जिम्मेदार थे, मेहराब और मिंबर के वारिस थे, और तुम दीन का नाम लेते, लिबादा दीन का ओढ़ा हुआ था। ये उलमा हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते, चार शख्सियतों से ये दुनिया कायम है, आबाद है। सबसे पहले उलमा, अगर उलमा अपना किरदार सही कर लें, अपने जाहिर और बातिन को सही कर लें, ये कौम, ये सोसाइटी हमारे पीछे चलने के लिए तैयार खड़ी है। ये हाथ बांध के हमारे पीछे चलेगी। सिर्फ हम अपना किरदार अदा नहीं करते, हम मेहराब और मिंबर की जो वफादारी है हम वो पूरी नहीं करते, हम वो हकूक अदा नहीं करते कि हम यहाँ पे आए, यहाँ नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे। तो ये क्या है, ये तकब्बुरी तो है। हमें तो कोई रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए बुलाए और कहे अल्लामा साहब आपको यहाँ सूफे नहीं बैठना, नीचे बैठ जाओ, मैं तो नीचे बैठने के लिए तैयार हूँ। आजजी अल्लाह को पसंद है, तकब्बुर पसंद नहीं है। ये दो की छोड़ दो, या रंग हो जा, मोम पर या संग हो जा। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगु बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और सवाल आते होंगे मुनाफिकत से मुतालिक, ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमें जो है ना, जब हम ऑन एयर होते हैं तो हमें ये होता है कि कोई ब्रेक ना आए, क्योंकि गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग हो रही होती है, और जब हम ब्रेक पे जाते हैं उस वक्त भी बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही होती है, और हम चाहते हैं कि हम ऑन एयर ना आए, बहुत सारी गुफ्तगू जो हो रही होती है। तो बहरहाल आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुनाफिकत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, और मैं अब चाहूँगा कि ज़रा आप, मेरे ख्याल में पहले कोई और क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ। मुनाफिकत जैसे नासूर से हम किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊं, अभी ब्रेक से कबल जो ऑडियंस में से सवाल किया गया उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूं। मुनाफिकत की तारीफ़ को ज़रा पहले समझ लेना ज़रूरी है और उसको महदूद कर लेना ज़रूरी है। जिस तरह से सवाल किया गया, ख़ास तौर पर चूँकि क्वेश्चन को रेज़ किया गया था इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ कि ऑफ़ दी कैमरा या ऑफ एयर होने के बाद तस्वीर खिंचाना, तो मैं नहीं समझता कि किसी कुरान की आयत में तस्वीर खिंचाने को मुनाफिकत कहा गया है या किसी हदीस में तस्वीर खिंचवाने को मुनाफिकत कहा गया, क्योंकि सवाल स्पेसिफिक इस हवाले से था। और अगर इससे मुराद ये थी कि ऑन ईयर होते हैं तो एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे होते हैं, ऑफ ईयर होते हैं, नहीं, तो नहीं, ये सवाल नहीं था। सवाल यही था, इसको यूँ समझिए कि किसी सूरत में भी प्रोग्राम के बाद, देखिए जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त हम एक आलिम की हैसियत से गुफ्तगू कर रहे हैं, जब हम गुफ्तगू कर चुके होते हैं तो एक मेहमान की हैसियत से एक दूसरे से गुफ्तगुशनीद होती है, मुलाकात होती है, नंबर का तबादला होता है। या अगर तस्वीर खिंच गई, और मैं तो समझता हूँ तस्वीर खिंचवाना हराम भी नहीं रहा कि कोई फतवा लग सके, ये सवाल नहीं था असल में, जवाब कुछ मैं थोड़ा सा इसको एक दफा एक जो मैं सवाल जो सुन पाया उसमें फिर ये हो सकता है कि दौरान गुफ्तगू एक अलग रुख होता है,
अगर इख्तलाफ राय हो रहा होता है तो वो इल्मी हवाले से हो रहा होता है। इख्तलाफ राय पे सवाल नहीं था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे वाज़े कर दे। तो सवाल ये था कि एक स्कॉलर जो है वो जब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, कोई भी स्कॉलर हो जी, वो जब ऑफ कैमरा होते हैं, हम कहीं और होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो हमारे साथ बातचीत भी हो रही होती है, हमारी फीमेल होस्ट के साथ वो पिक्चर भी ले रहे होते हैं, और वो जो है वो उनके साथ नंबर भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो सेट पर आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं ये फीमेल होस्ट के साथ यहाँ इस तरफ करीब नहीं बैठ सकता, मुझे दूर बिठाइए, मुझे वहाँ बिठाइए, इस पे बात हो रही थी। और इल्मी इख्तलाफ में तो बात नहीं हुई है। फिर मैं ये बात कर दूं, फिर इसको मुनाफ़त नहीं कहा जाएगा, इसको कुछ और कहा जाएगा, वो फिर मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता लफ्ज़, इसको मुनाफ़त नहीं कहा जाएगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सवाल अव्वल तो मौजूद से खारिज था हमारे, दूसरी बात ये कि ये मुनाफ़त भी नहीं है, तो एक और दूसरी तरीके की चीज़ है। जैसे अभी हम मुफ्ती साहब मैं वहाँ बैठे थे तो हमने कहा हम यहाँ बैठ जाए वहाँ बैठ जाए, गुफ्तगू इधर से उधर से एक ही बात है, जहाँ तक गुफ्तगू करना वो अपनी जगह अलग चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ये सवाल हमारा मौजूद से खारिज था। ठीक है, बहुत अच्छा आपने इसको बता दिया। इसके हवाले से सबसे बुनियादी बात यह है कि कुरान मजीद में जिन आयात में अल्लाह ने निफाक और मुनाफिकीन के हवाले से जिक्र किया है, उन आयात को, उसकी तफसीर को और उलमा की जो तशरीहात हैं उसको पढ़ा जाए। जब तक हमें निफाक की तबाहकारियों का इल्म नहीं होगा, जब तक हमें निफाक के अजाब का इल्म नहीं होगा, तो हम उससे बच नहीं सकते। आदमी लाजमन और फितरतन बचता उस चीज़ से जिसकी आकिबत और जिसकी दूरंदेशी और जिसकी बुराई का उसे इल्म हो। अक्सर तादाद ऐसी जिससे मुनाफ़त के अजाब का नहीं पता है कि निफाक का अजाब क्या है, किस तरह से निफाक ईमान को, ईमान की इमारत को ऐसे खोखला करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को खोखला करती है। तो इसके असबाब की तरफ मुतवज्जे हों, उन रवायात का मुताला करें, वो दुरूस उलमा के सुने, ऐसी महाफिल में जाएँ जहाँ इस तरह के उनवानात पर गुफ्तगू हो, ताकि निफाक की तबाहकारियों से आगाह हो सकें और निफाक के जो असबाब हैं, जो मुहर्रिकात हैं जिसकी तरफ, जिससे हम निफाक की तरफ मुतवज्जे होते हैं, उन चीज़ों का सद्देबाब किया जा सके ताकि मुनाफ़त। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब आपके सवाल बड़े मुश्किल हैं, बड़ा एक सिंपल सा मैं मौलाना साहब आपसे पूछ लूँ कि मेरी एक दोस्त है या मेरी जानने वाली हैं, वो मुझे मिलती हैं और बहुत मोहब्बत से मिलती हैं और मेरी तारीफ़ करती हैं और मुझे अपने घर बुलाती हैं, मगर जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल होती हैं तो वो हर चीज़ के अपोजिट बोल रही होती हैं, वो किरदार कुशी भी कर रही होती हैं, वो बहुत गलत किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो दूसरों की कामयाबी को देकर उसमें हर तरह का उनका हसद नज़र आ रहा होता है। तो ऐसी जो शख्सियात हैं या ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का किरदार रखते हैं, हमारे दीन में उनकी क्या सज़ा है और क्या ऐसे लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए? अगर इसके अंदर ऐसी बीमारियां हैं अखलाकियात की तो कत्ते ताल्लुक दुरुस्त है, क्योंकि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सोहबत ताले तुरा ताले कुनद, सोहबत साले तुरा साले कुनद, कि अच्छे की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरे की सोहबत बुरा बना देती है। तो बचना ही बेहतर होगा, बल्कि ख़ुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं जो इस तरह के लोग हैं। ज़ाहिर पे कुछ है तारीफ़ करते हैं और थोड़ा सा पस मंज़र जाओ तो वो बुराइयां करते हैं, इसमें भी गुनाह है, ये गुनाह का अंदेशा ज़रूर मौजूद है, गुनाह का अंसर। अगर हम उसको बड़ा मुनाफिक नहीं कहते मगर वो छोटा निफाक तो उसके अंदर है कि निफाक वाली वो बातें कर रहा है। देखिए हुजूर की शरीयत का इतलाक जाहिर पे होता है, बातन में नहीं होता, कि मेरे अंदर क्या है इसके ऊपर हम फतवा नहीं देते, हम ये देखते हैं कि सामने वाला कर क्या रहा है, हम उसके ऊपर फतवा देते हैं। जब एक चीज का आपको इल्म हो गया कि ये बंदा बुराइयां करने वाला है, पसे मंजर मेरी बुराइयां करता है, वो चीजें मेरे अंदर है भी नहीं, उसको अल्लाह ताला ने किस तरह से अजाब की वईद सुनाई है, मैं चाहता हूँ दो कैटेगरीज में आप बता दीजिए। एक तो वो लोग हैं जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर और जड़ें काट रहे होते हैं इस्लाम की, एक तो वो मुनाफिक हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, आखिरत का यकीन भी रखते हैं, लेकिन वो बशरी कमज़ोरियों की वजह से कभी झूठ बोलना पड़ जाता है, कभी वो वादा खिलाफी भी कर लेते हैं, लेकिन होते अंदर से मुसलमान हैं, ईमान वाले होते हैं, उनमें भी ये मुनाफिकत की कुछ निशानियां मौजूद होती हैं। इन दोनों को ज़रा बताइएगा, अल्लाह ताला ने इन दोनों के बारे में क्या वईद बताई है? डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि जो रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक थे जी, और आज के मुनाफिक में फ़र्क है जी।
जैसा आपने इरशाद फरमाया कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, मैं कमज़ोर से मुराद यही समझूंगा कि जो कुछ अनपढ़ लोग होते हैं या कुछ पढ़े लिखे होते हैं या जिन तक पूरा जो है ना इस्लाम दीन तालीमात पहुंची नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता, अगर वो ज़ाहिर व बातन एक नहीं रखते तो उनके लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, तौबा भी उनके लिए है। उनके लिए वो सज़ा नहीं है जो बड़े मुनाफिक के लिए होते हैं, जो रिसालत तौबा का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। एक मिनट के लिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सब जो बड़े मुनाफिक थे जैसे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के लिए कहा गया कि उनके लिए जहन्नम है, उनके लिए वाज़ह ऐलान कर दिया, वो जमाना वही का था, अब वही तकमील को पहुंच गई है, अब यही कुरान ज़ाबता हयात है, कयामत के लिए ये हमारे पास कुरान मौजूद है। मगर वो जो ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके पास पूरा इल्म नहीं होता, समझ नहीं पाते, ठीक है। वो झूठ बोल देते हैं फिर तौबा कर लेते हैं या हसद की तरफ चले, उनको हसद के मानी का पता नहीं है, झूठ का ही पता नहीं है, उनके मसाइल वो इस जुमरे में नहीं आएंगे, वो इन मुनाफिकीन की जमात में नहीं आएंगे। जैसे हजरत उमर के पास एक फैसला गया, पहले फैसला हुजूर की बार में, बाद में हजरत उमर के पास चला गया, जी हम रसूल का फैसला नहीं मानते, फला वरबी का ला युमिनुना हत्ता युहक्किमू का फी मा शजर बैनहुम की, वो आयत के ज़ेर तहत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर के पास ले गए, हजरत उमर ने पूछा कि पहले फैसला कहां से गया, उन्होंने कहा जी हुजूर के पास, नहीं मानते वरना नहीं मानते, वो बज़ाहिर मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान, हकीकतन वो यहूदी था, क्योंकि यहूदियों की आबादी थी मदीने के अंदर, तो वो अंदर से यहूदी था। हजरत उमर ने उन्हें भांप लिया, कहा अच्छा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने जाना का फैसला तू नहीं मानता तो फिर उमर की तलवार ही करेगी, तो हजरत उमर ने तलवार निकाली, सर कलम कर दिया। तो कुरान की आयत, मुफ्ती साहब यहां जरा रुकिएगा प्लीज, ये जो वाकया आप बता रहे हैं ये वाकया सनद के लिहाज से ये मुस्तनद वाकया है, अबू दाऊद सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, बिल्कुल सच्ची है, और तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसी आयत के तहत लिखा है, और कुरान की आयत आ गई, नस कुरान से साबित है ये। ठीक है चलें, आपसे भी यही सवाल रखूंगा, ये जो दो किस्म है, अच्छा ये मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जो कम इल्मी की वजह से, मैं कम इल्म नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हसद के बारे में भी जानता हूँ, मैं मुनाफिकत भी जानता हूँ, लेकिन बशरी कमजोरियां हैं मेरे अंदर और मुनाफिकत हो जाती है, मैं उन दोनों का पूछना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन मुनाफिकत को कैटेगराइज करना ज़रूरी है, कैटेगराइज करना पड़ेगा, एक मुनाफिकीन की जमात और वो हजरात वो लोग के जो हुजूर के ज़माने में बज़ाहिर इस्लाम लाए थे और हुजूर के पैगाम को पहुँचाने में परेशानियाँ पैदा करते थे। दूसरी किस्म जो आप बयान फरमाएं, जैसे मैंने भी अर्ज किया, मिजाजन मुनाफिक होना ज़ाहिरन, और आपने ये अच्छा कहा, इसको थोड़ा सा वाजे कर दिया आपने, अल्लामा साहब ने जो इशारा फरमाया वो भी एक जुमला है कि एक आदमी जिसको बिल्कुल मालूमात ही नहीं दीन की वो भी उसमें आ जाएगा, लेकिन एक शख्स पढ़ा हुआ है उसके मुताले में सब कुछ है, उसके बावजूद बशरी तकाज़े, उसके लिए वही चीज़ जो मैंने अर्ज की, मुहर्रिकात की तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा, उसके इलल असबाब को देखना पड़ेगा और राबता बिल्लाह मजबूत करना पड़ेगा। और एक जुमला में मुफ्ती साहब से इस्तिफादा फरमाऊंगा, ब्रेक से पहले मुफ्ती साहब ने जो अर्ज किया कि हुजूर की बारगाह में बैठते थे तो ईमान की चाशनी को महसूस फरमाते थे, यह हो नहीं सकता कि कोई बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद हो और उसे ईमान की चाशनी ना है, वो आदमी मुसलमान कैसे हो सकता है। और जब हुजूर की बारगाह से जाते थे तो अपने अंदर वो तिशनगी महसूस करते थे। तो इस वाकई से हमें समझ में क्या आया, समझ में आया कि अगर कोई शख्स चाहता हो कि मुनाफिकत की वबा उसके करीब ना आए तो अपना वास्ता, अपना राबता, अपना सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आज भी जोड़े रखे, क्योंकि हुजूर जैसे अपनी ज़िंदगी में इल्म और फैज़ की बरसात फरमा रहे थे, आज भी हुजूर के रोज़ा मुबारक से, उनकी तालीमात से, उनकी हदीस से, उसी तरह से क़यामत तक जारी रहेगा। और हम तो जिंदा का लफ्ज़ तो बहुत छोटा हम समझते, ज़िंदगी की कोई आला मिसाल हो सकती है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इसको कैटेगराइज करना ज़रूरी है, ऐसे लोग जो आपने फरमाया कि कम पढ़े लिखे भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, इसकी तरफ क्यों आते, एक तो हसद, तमा, लालच, जैसे अभी बयान के हजरत ने कि मुनाफिकीन में तमा ये थी कि मदीने के सरबरा हम बन जाएं, जबकि अल्लाह ये तय कर चुका था कि दुनिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत हकीकी होगी, जिसे हम हुकूमत ज़ाहिरी भी कहते हैं, हुकूमत बातिनी भी कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को हर तरह की हुकूमत अता फरमाई। तो मैं समझता हूँ कि हसद के लिए और मुनाफिकीन के लिए जो दो चीज़ें बयान फरमाई गई वो यही हैं कि ज़ाहिरी इलल असबाब से भी बचें और ईमान के हवाले से जो चीज़ें ख़राब करने वाली हैं, हसद, किसी से गिला रखना, जैसा भी आपने बयान फरमाया कि सामने तारीफ पीछे बुराई, तो वाज़ेह तौर पर मुनाफ़िक़त की मिसाल है और ये मुनाफ़िक़त की तारीफ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ दोनों किस्म की कैटेगरीज को समराइज़ करके हमें इसके मुहर्रिकात से बचना होगा, इसकी तबाहियों से बचना होगा और इसके लिए हमें कुरान हदीस को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इसकी बुराइयों से बच सकें। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त निकाला और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुफ्ती साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन टॉपिक बहुत बड़ा है और हमारी सोसाइटी का आज का सबसे बड़ा मसला ही है, ये मुनाफिकत करना,
झूठ बोलना, खुशामद करना, किसी की तारीफ करना और सामने उसकी तारीफ करना और पीठ पीछे उसकी गीबत करना, ये सारी बुराइयां हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। और अगर सूरह हुजुरात देखें तो सूरह हुजुरात में गिन गिन कर अल्लाह ताला ने ये बुराइयां बयान की हैं। तो जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मोमिनीन हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी इन